बैतूल में अब मरीजों का न केवल निःशुल्क इलाज होगा बल्कि दवा से लेकर भोजन तक सब कुछ मुफ्त रहेगा। ऐसा संभव तब हुआ है जब बैतूल भाजपा की उस टीम की बदौलत जिसने कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के दर्द, उनकी क्षमता को समझा और एक ऐसा सहकार स्थापित कर दिया जिसकी बैतूल को काफी दिनों से जरूरत आ पड़ी थी। बैतूल के भाजपा कार्यालय विजय भवन को अब विजय कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है, जहां 50 कोविड मरीजों को भर्ती करने की सहूलियत होगी, जिसमें 20 ऑक्सीजन बेड भी शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकेगा। पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष बबला आदित्य शुक्ला के प्रयासों से ये कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसमें कुल 14 मई से मरीजों को भर्ती किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसमें कल 14 मई से मरीजों की भर्ती किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भाजपा नेताओं ने इसके संचालन और मरीजों की देखरेख, इलाज के लिए भोपाल के प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की है। विजय कोविड केयर सेंटर में 50 बेड की व्यवस्था है, जिसे भविष्य में 25 बेड तक बढ़ाया जा सकता है। इनमें 20 ऑक्सीजन व 30 सामान्य बेड रहेंगे। यहां 20 ऑक्सीजन बेड और बढ़ाए जाने की क्षमता है। ऑक्सीजन बेड तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगाई गई है, जबकि मरीजों के लिए अच्छी क्वालिटी के बेड उपलब्ध कराए गए हैं। एक महीने से हमारे जिलाध्यक्ष जी का विचार था कि शासन इसको टेक ओवर करे और कोविड सेंटर में बदल दे, लेकिन जिला प्रशासन का कहना था हमारे पास अतिरिक्त क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं है, नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है, और इसलिए इस सबकी व्यवस्था आप करें और शासन का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। हमने MBBS का जो क्वालिफाइड स्टाफ है वो लेके आए हैं, नर्सिंग स्टाफ लेके आए हैं। यहाँ पे 100% मरीज का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। हमारे प्राइवेट डॉक्टर, डॉक्टर पंडागरे जैसे डॉक्टर भी यहाँ पे मरीजों की देखरेख करेंगे। तो एक तरह से सर्व सुविधा से युक्त हमारा ये हॉस्पिटल रहेगा और इसमें हमको प्राइवेट डॉक्टरों का भी गाइडेंस मिलेगा, लेकिन मरीजों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क होएगा और सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं ली जाएगी, सिर्फ सरकार का मार्गदर्शन पूरा पूरा हमें मिलता है। वहीं निजी चिकित्सक भी यहां अपनी सेवाएं देंगे। फिलहाल यहां 3 डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। भाजपा विधायक डॉक्टर योगेश पांडे भी यहां व्यवस्थाओं को देखेंगे। मरीजों को निशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, जिसकी व्यवस्था भाजपा कार्यालय ही करेगा। परिजन भी यहां निशुल्क भोजन पा सकेंगे। पूर्व सांसद के प्रयासों से हुआ साकार। भाजपा कार्यालय विजय भवन को कोविड केयर सेंटर में बदलने का प्रयास पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल के प्रयासों से साकार हो सका है। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष बबला आदित्य शुक्ला को अपनी योजना बताई, जिसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। इसी सेवा भाव का नतीजा है ये कि ये केंद्र बनकर तैयार हो गया है। बैतूल से रामकिशोर पवार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।